नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं satyahindi.com। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हंगामे की वजह से टल गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के द्वारा मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाए जाने के मुद्दे पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ और बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों दलों ने उनके पार्षदों की पिटाई का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने वंदे मातरम, केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगाए तो बीजेपी के पार्षदों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। सदन में काफी देर तक चले हंगामे के बाद सदन को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया। अब मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए नई तारीख घोषित की जाएगी। दिल्ली नगर निगम में हुए हंगामे को लेकर बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में गुंडागर्दी की। दिल्ली में बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, केंद्रीय मंत्री और सांसद मीनाक्षी लेखी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उतरे और अपना पक्ष रखा, जबकि इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज और विधायक अतिशी मारलेना ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी ने अपनी महिला पार्षदों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बुलाया और बताया कि सदन में हुए हंगामे में उन्हें चोट पहुंची है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने शराब पी हुई थी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि बीजेपी के एक पार्षद के पांव में फ्रैक्चर हुआ है, एक महिला पार्षद के हाथ में चोट है, कुछ और पार्षद भी घायल हुए हैं। सदन में जिस तरह से आज अराजक हालात बने ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। लेखी ने कहा कि ये उन लोगों ने किया जो अपने आप को सत्ता में अराजक कहकर आए हैं और अरविंद केजरीवाल खुद को अराजक कहते भी हैं। सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि एमसीडी में मनोनीत पार्षदों को एल्डरमैन कहा जाता है। उन्होंने कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि मनोनीत पार्षद पहले शपथ नहीं ले सकते। वर्मा ने कहा कि अगर मनोनीत पार्षद पहले शपथ ले लेते और फिर निर्वाचित पार्षद शपथ लेते और उसके बाद मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव होता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हरियाणा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने आज फिर बीजेपी को निशाने पर लिया। पानीपत में लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने जीएसटी और अग्निपथ जैसे मुद्दों पर बीजेपी को जमकर घेरा। राहुल ने कहा, यहां दो भारत हैं, एक किसानों और मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का और बेरोजगारों का, युवाओं का, और दूसरा 200 से 300 देश के अमीर लोगों का। राहुल ने हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि 21वीं सदी में हरियाणा बेरोजगारी में चैंपियन है, आपने सबको पीछे छोड़ दिया है। बताने हाल ही में आए सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में हर तीसरा शख्स बेरोजगार है। हरियाणा में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय बेरोजगारी दर से 4.5 गुना से अधिक है। प्रदेश बेरोजगारी के मामले में सभी राज्यों में पहले स्थान पर है। राहुल ने इसी को लेकर भी निशाना साधा। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले कांग्रेस के पक्ष में बड़ा घटनाक्रम हुआ। गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस छोड़कर गए नेताओं ने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये आजाद के लिए बड़ा झटका है। इन नेताओं में जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद सहित कई वरिष्ठ नेता हैं जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ताराचंद के अलावा कांग्रेस के पाले में लौटने वाले अन्य प्रमुख नेताओं में पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद, पूर्व विधायक बलवान सिंह और गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के जम्मू जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा शामिल हैं। गुलाम नबी आजाद के वफादार माने जाने वाले इन सभी नेताओं ने डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ दी थी। हालांकि आजाद ने चांद लाल और बलवान सिंह को पिछले महीने ही पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए डीएपी से निष्कासित कर दिया था। चंद लाल और सिंह उन पहले कांग्रेसी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल अगस्त में आजाद के समर्थन में सबसे पहले आवाज उठाई थी। इन नेताओं को संगठन के महासचिव केसी वेणुगोपाल, एआईसीसी महासचिव जयराम रमेश और एआईसीसी के राज्य प्रमुख रजनी पाटिल की उपस्थिति में शामिल कराया गया। जयराम रमेश ने इस दौरान कहा कि दो और नेता जल्द ही पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा, यह पहली किश्त है और जल्द ही दूसरी किश्त इसमें शामिल होगी। गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद ने कहा कि कांग्रेस छोड़ना उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा, यह जल्दबाजी में उठाया गया गलत कदम है, मैं भावनाओं और दोस्ती में बह गया था। वहीं पूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद ने जम्मू कश्मीर के लोगों और कांग्रेस से पार्टी छोड़ने के लिए माफी मांगी। ताराचंद ने कहा कि हमने सारा जीवन कांग्रेस में बिताया लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जब हमने भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में गलत कदम उठा लिया। ये गलत फैसला था। जिस पार्टी ने मुझ जैसे गरीब को पहचान दी, मुझे विधायक बनाया, सीएलपी नेता बनाया, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाया, मैं मानता हूं कि भावनाओं में बहकर किसी की दोस्ती से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ना हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मुंबई दौरे के दूसरे दिन फिल्म जगत के लोगों से उत्तर प्रदेश में बनने वाली फिल्म सिटी पर चर्चा की। फिल्म अभिनेताओं, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मुलाकात के दौरान कई बड़े फिल्मी सितारे भी मौजूद रहे। इस मौके पर फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने बॉयकॉट बॉलीवुड को लेकर चल रही मुहिम के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की। सुनील शेट्टी ने प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ से कहा कि राजनेताओं का एक तबका बायकॉट बॉलीवुड को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहा है, जिसका फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माताओं पर गहरा असर पड़ रहा है। शेट्टी ने कहा कि अब एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि अगर बॉलीवुड की किसी भी फिल्म में किसी सीन को लेकर कोई विवाद होता है तो आम जनता से लेकर राजनेता तक बॉलीवुड का बॉयकॉट करने को लेकर आगे खड़े हो जाते हैं। सुनील शेट्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह करते हुए कहा कि योगी जी, आपसे इस बारे में मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आप देश के एक ताकतवर मुख्यमंत्री हैं। आपने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया है। आप बॉलीवुड का बॉयकॉट करने के बारे में कुछ करिए ताकि बॉलीवुड को बचाया जा सके। सुनील शेट्टी ने कहा, यह अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है, लेकिन हमको बॉलीवुड के बॉयकॉट से बचना होगा, तभी उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ सकेगी। इसके अलावा दर्शकों को थिएटर में खींचने के लिए भी कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी के दर्द का समर्थन गायक सोनू निगम, अभिनेता और नेता दिनेश लाल निरहुआ और सुभाष घई जैसे लोगों ने भी किया। बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में हुई अंजलि की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस की जांच में पता चला है, इस हादसे में जिस आरोपी के बारे में बताया गया था वो कार चला रहा था। उस वक्त वो कार में था ही नहीं और अपने घर पर था। इस शख्स का नाम दीपक खन्ना है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस ने बताया कि दीपक खन्ना से उसके चचेरे भाई और दोस्तों ने कहा था। वो पुलिस को यह बताए कि वो हादसे के वक्त उनके साथ था और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि कार में मौजूद किसी भी अभियुक्त के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और दीपक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। इस मामले की बेहद बारीकी से जांच कर रही पुलिस ने पाया कि दीपक खन्ना के फोन की लोकेशन इस मामले के चार अन्य अभियुक्तों के फोन की लोकेशन से अलग थी। पुलिस के मुताबिक दीपक खन्ना के फोन की लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि घटना वाले दिन वो दिन भर घर पर ही था। दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि अमित खन्ना ही इस कार को चला रहा था और पुलिस के पास इस बात को साबित करने के लिए सबूत हैं। बता दें, इस हादसे में कार से स्कूटी की टक्कर होने के बाद अभियुक्तों ने अंजलि को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा था और इसमें उसकी जान चली गई। अंजलि की उम्र 20 साल थी। दिल्ली पुलिस ने कंझावला केस में छठे आरोपी आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। समाचार एजेंसी एनआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति ही उस कार का मालिक है जिससे मृतका को 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। पुलिस को इनकी तलाश थी और इन पर अन्य अभियुक्तों को बचाने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि छठा अभियुक्त कार में बैठे एक व्यक्ति का भाई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर सागर प्रीत हुड्डा ने बताया कि छठे अभियुक्त ने पुलिस को गलत जानकारी दी थी और मामले की आगे की जांच जारी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस पहले ही 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। जैन समुदाय के जोरदार प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने झारखंड में स्थित जैन समुदाय के पवित्र तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी में पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगा दी। केंद्र ने झारखंड सरकार से कहा है वो इस धार्मिक स्थल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए। केंद्र की ओर से झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को इस संबंध में एक पत्र भी भेजा गया। बता दें, बीते कई दिनों से जैन समुदाय के लोग झारखंड के गिरडीह जिले में स्थित सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के हेमंत सोरेन सरकार के नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे थे। दिल्ली से लेकर मुंबई, राजस्थान, गुजरात, झारखंड सहित कई राज्यों में जैन समुदाय के लोग सड़क पर उतरे थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर भी अभियान चल रहा था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।